अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अच्छा जी, ये जो वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, ये कुछ दिन पहले की है, जिस दिन जी मैं गई थी डेंटिस्ट के पास। अच्छा, मेरी अपॉइंटमेंट का जो टाइम था ना, उससे पहले हम लोग पहुँच गए थे, गाड़ी वगैरह पार्क की, तो फिर जो है हमने सोचा कि थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं। तो फिर हम यूँ ही चल रहे थे, तो मैंने सोचा वीडियो भी बना लेती हूँ। और ये देखें जी, ये जैतून का दरख्त है और जैतून भी लगे हुए थे। तो ये देखें जी, मेरे हाथ में फ्रेश जैतून है। और ये देखें जी, ये आप सब जानते ही हैं कि अब जो है ख़ज़ान का मौसम है। तो ये देखें कितने प्यारे प्यारे पत्ते थे। तो ये रास्ते में कब्रिस्तान था, तो जहाँ पर जी इटालियन लोग अपने प्यारों को दफन वगैरह करते हैं। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो अंदर की भी बनाई थी, तो ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर जी हस्बैंड कह रहे थे कि इधर पास ही बार है, तो उधर चलते हैं और ताहा को भी कुछ लेके देते हैं और ख़ुद भी काफ़ी वगैरह पी लेते हैं। और ताहा ही हमारे साथ थे, तैयबुल्हा जो थे ना, वो स्कूल थे। तो ये जी हम पहुँच गए हैं बार में। फिर जी इधर से पी हमने काफ़ी वगैरह और ताहा के पापा ने उनको लेके दिया किंडर। तो ताहा हो गए काफ़ी खुश। तो और इसमें से इनका जी छोटा सा टॉय भी निकला था, तो वो इन्होंने अपनी जेब में रख लिया। और चॉकलेट इनके पापा इनको खिला रहे थे। ये जी हम पहुँच आए हैं डेंटिस्ट के क्लिनिक में। तो ये जी वो कमरा है जहाँ मेरे दांत का होना है ट्रीटमेंट। और जी ताहा वेटिंग रूम में बैठे थे अपने पापा के साथ ना, तो ये मुझे भी बार बार बुलाने आ रहे थे कि आप भी इधर ही आके बैठो। ताहा को जैकेट हमने पहना दी थी, क्योंकि बाहर जब निकलना था तो उस वक्त सर्दी होनी थी, तो फिर हमें ये था कि इन्हें सर्दी ना लगे। तो ये जी अब हम वापस जा रहे हैं घर। तो नेक्स्ट वीक फिर है मेरी अपॉइंटमेंट। और ये है जी आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। काले चने का सालन बहुत ही मज़े का बनता है। तो चने जो है ना, मैंने रात को ही भिगो दिए थे और पहले जो है ना मैंने इनको अच्छे से धो दिया था। अब जिस पानी में मैंने इनको भिगोया हुआ है ये ज़ाया नहीं करूँगी, बल्कि इसी पानी में मैं इनको बॉयल कर लूँगी। तकरीबन 2 कप चने थे मेरे पास। और ये जी 2 दरमियाने साइज़ के प्याज थे मेरे पास, इनको मैंने काट लिया है। 1 सब्ज़ मिर्च है और 2 टमाटर थे मेरे पास, इनको भी काट लिया है। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो ये जी मैंने कुकर में डाल दिए हैं चने, तो इनमें सारी चीज़ें मैं ऐड कर दूँगी, ये प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक भी और सब्ज़ मिर्च भी। और बाकी के मसाला जात भी मैं शामिल कर लूँगी, जिनमें हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और गरम मसाला पाउडर 1.5 टीस्पून सारे मसाला जात में शामिल करूँगी। उसके बाद जो है ना मैं प्रेशर लगा दूँगी, 20 मिनट के अंदर ये चने जो है बॉयल हो जाएंगे। और जब सीटी बजेगी उसके बाद हमारा जो है ना टाइम स्टार्ट होगा प्रेशर का। 1 चूल्हे पर मैंने प्रेशर रखा हुआ है और दूसरी कढ़ाई में जी मैं पानी बॉयल कर रही हूँ। मुझे जी बॉयल करने हैं राइस। तो जो है ना ये देखें जी, चने भी हमारे बॉयल हो चुके हैं और सैलड वगैरह भी मैंने बना लिया जैसा कि आपने पहले देखा है। और ये जी यखनी है चनों की, पहले मैं चनों की बुनाई करूँगी और फिर ये यखनी उनमें शामिल कर दूँगी। अब जी मैं चनों की बुनाई करूँगी और ये जो प्याज वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये बुनाई करते हुए इंशाल्लाह गायब हो जाएंगे। और जी अब ये पानी वगैरह भी खुश्क हो गया है जो थोड़ा बहुत था, फिर मैंने आधा कप ऑयल डाल दिया था। और अब मैं टमाटो पेस्ट शामिल करने लगी हूँ, तकरीबन 6 टेबल स्पून ये मैंने टमाटो पेस्ट भी शामिल कर ली है। और ये है कि मैं काले चनों को ना 2 तरीकों से बनाती हूँ। एक ये तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और दूसरा तरीका मैं आपको बता देती हूँ, उस तरीके से भी मैं बनाती होती हूँ। तो दोनों तरीकों से ही बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं ये काले चने। दूसरी तरह जब मैं काले चने बनाती हूँ ना, तो फिर ये है कि मैं इनको पहले बॉयल नहीं करती, बल्कि पहले मैं जो है ना ऑयल में मसाले की बुनाई कर लेती हूँ, प्याज वगैरह, अदरक लहसुन का पेस्ट और जो भी मसाला जात होते हैं उनको डाल के। तो फिर जो है मैं चने शामिल करती हूँ, उनकी बुनाई करती हूँ और लास्ट में इसमें पानी शामिल करती हूँ। और फिर जो है ना मैं इनको रखती हूँ बॉयल होने के लिए। फिर मुझे जितनी ग्रेवी रखनी होती है उतनी मैं रख लेती हूँ। और मैं आगे आपको दिखाती हूँ सब्ज़ मिर्चें जो कि बड़ी ही फ्रेश हैं, और उनकी सुनाती हूँ आपको स्टोरी। ये देखें जी माशाल्लाह से, ये मेरे फ्रिज में तकरीबन 3 हफ्ते हो गए हैं पड़ी हुई, और ये इतनी नहीं थी, बहुत ज़्यादा थी, तो अब ये इतनी रह गई हैं। तो ये मेरी फ्रेंड ने भेजी थी अपने गार्डन से तोड़ के, ये माशाल्लाह से इतनी फ्रेश थी और माशाल्लाह से ये अभी भी फ्रेश हैं। और यकीन करें कि मैंने इनको ना फ्रिज में रैप वगैरह भी करके नहीं रखा हुआ था टिश्यू वगैरह में ना, तो फिर भी माशाल्लाह से ये इतनी फ्रेश नहीं है। चलें जी अब अपनी डिश की तरफ आ जाते हैं। और चनों की जो बुनाई है ना, ये मैंने अच्छे से कर ली है, और अब इसमें मैं यखनी शामिल कर दूँगी चनों की, यानी कि जब बॉयल किया था ना हमने, तो ये जो पानी था चनों वाला यही मैं शामिल कर रही हूँ। और अब मैं कवर कर दूँगी जी। तो
ये जी कढ़ाई में भी जो पानी मैंने रखा था चावलों के लिए, ये भी जी बॉयल हो चुका है। थोड़ा सा धनिया में शामिल कर रही हूँ, लेमन का जूस शामिल किया है, नमक शामिल किया है और थोड़ा सा ज़ीरा शामिल किया है। ऑयल भी मुझे शामिल करना था लेकिन भूल गई थी, तो खैर चलें जी बॉयल आ चुका है पानी में, अब मैं चावल शामिल करूँगी। चलें जी मैंने चावल भी शामिल कर दिए हैं और जी चावल बॉयल भी हो चुके हैं और जी चनों का सालन भी जो है ये तैयार हो चुका है। जितनी मुझे ग्रेवी रखनी थी इतनी मैंने रख ली है और ये जी अब मैं सब्ज़ धनिया इसमें डालूंगी। ये देखें जी माशाल्लाह से मज़ेदार सा काले चनों का सालन जी तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना जल्दी से हमने ये काले चनों का सालन बना लिया और यकीन करें ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होता है। मेरा तो ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट सालन है। और चावल भी आप देख सकते हैं कि चावलों के दाने जो हैं ये कितने अलग अलग हैं और निखरे निखरे चावल बने हैं। ये इसीलिए बने हैं कि चावलों को बॉयल करते वक्त हमने लेमन जूस डाला था और दूसरी चीज़ें शामिल की थी। और ये देखें जी प्लेटर मैंने तैयार कर लिया है, बहुत ही मज़े का सालन बना है। मैंने चार रखा है, सैलड है और धनिया पुदीना की चटनी है और ये देखें जी काले चनों के सालन की लुक। चले व्यूवर्स अब मैं यहाँ आपसे जाती हूँ इजाज़त। मुझे उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़।